हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आ गई हूँ आपके समक्ष। आप सभी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों, आधा वीडियो देख के मत जाइएगा। सभी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन आपके पास जितना ज़्यादा प्रैक्टिस रहेगा आप उतना ही सहज होंगे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपको 16 मार्च को एग्ज़ाम था वो टल गया है और जल्द ही उसका भी डेट आ जाएगा, तो आप लोग तैयारी में लगे रहिए। और जितने भी मैंने फिजिकल एजुकेशन के BPSC TRE 2 में प्रैक्टिस कराया हुआ है दोस्तों, वो सभी वीडियोज आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। और जो मैं अभी डेली बेसिस पे आप सबको करा रही हूँ, ये सारे वीडियोज प्रैक्टिस कीजिए। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर में आयोडीन की सर्वाधिक मात्रा निम्न जगह पाई जाती है। तो थायराइड ग्रंथियों में पाया जाता है सबसे ज़्यादा मात्रा। थायराइड ग्रंथियों से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन उत्पन्न होता है और जो शरीर के सभी उपापचय क्रियाओं को नियमन और संतुलित करता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न उत्तकों में कोशिकाओं को परस्पर बांधे रखने में सर्वाधिक सहायक है। तो दोस्तों, उत्तकों को परस्पर बांधे रखने में सहायक होता है विटामिन सी। विटामिन सी जिसको एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है, व्यक्ति के शरीर में प्राकृतिक सुरक्षा का कार्य करता है विटामिन सी, जिसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। सबसे ज़्यादा पाया जाता है आंवले में, उसके बाद अमरूद, नींबू, सभी खट्टे पदार्थों में। नेक्स्ट है दोस्तों, मादक पदार्थों के सेवन से शरीर का निम्न अंग प्रभावित होता है। तो मादक पदार्थों के सेवन से हमारा मस्तिष्क भी प्रभावित होता है, यकृत भी प्रभावित होता है, वृक्क यानी कि किडनी भी होता है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से सबसे कम मादक पदार्थ है। तो दोस्तों, अफीम, शराब, ड्रग्स, ये सभी ज़्यादा इसमें मादक पदार्थ होता है, चाय के मुकाबले सबसे कम है इसमें चाय। नेक्स्ट दोस्तों, तपेदिक यानी ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी रोग उत्पन्न करने में निम्न जीवाणु सहायक होते हैं। तो दोस्तों, टीबी रोग जो होता है वह बैक्टीरिया के द्वारा फैलने वाला रोग है। मैंने बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाले रोग और यानी कि बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ एंड फंगल सभी के डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, सभी वीडियोस को आप जा करके देख सकते हैं। तो तपेदिक यानी कि ट्यूबरकुलोसिस जिसे क्षय रोग भी बोला जाता है, यह माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु से फैलता है। यहाँ पे आंसर दिया है कोकस, बट इसका बैक्टीरिया का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट है, त्वचा के रोग, फोड़े, फुंसी आदि को पैदा करने में निम्न जीवाणु जिम्मेदार हैं। तो कोकस जीवाणु जो है त्वचा के रोग, फोड़े, फुंसी आदि को पैदा करने में जिम्मेदार है। नेक्स्ट है, हैजा रोग फैलाने में निम्न जीवाणु सहायक होता है। तो दोस्तों, हैजा जो है वो बैक्टीरिया के द्वारा फैलने वाला रोग है और बैक्टीरिया हैजा जो है जिसे कॉलेरा बोलते हैं, ये विब्रियो कॉलेरी नामक बैक्टीरिया से फैलता है। तो विब्रियो कॉलेरी, ठीक है, राइट आंसर होगा विब्रियो कॉलेरी। और हैजा में जो है, कॉलेरा में जो हमारा प्रभावित अंग होता है वो हमारा आंत और आहार नाल होता है, इसमें ओमेटिंग एंड दस्त आपको होता है। नेक्स्ट है, गर्म देशों में पेचिश व मलेरिया को फैलाने में निम्न जीवाणु सहायक होते हैं। तो दोस्तों, गर्म देशों में पेचिश व जैसे कि जो पेचिश है वह प्रोटोजोआ से फैलने वाला रोग है। किससे फैलता है? प्रोटोजोआ से। प्रोटोजोआ से कालाजार, पायरियन, स्लीपिंग सिकनेस, नारू रोग, मलेरिया, फाइलेरिया, टैप वार, ये सभी प्रोटोजोआ यानी परजीवी से फैलने वाले रोग हैं। तो पेचिश और मलेरिया दोनों के दोनों क्या है? प्रोटोजोआ से फैलने वाला रोग है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट होगा। प्रोटोजोआ से फैलने वाले रोग को ट्रिक के साथ याद करने का ट्रिक है, काला आम पानी में पका फट से। काला से हो जाएगा कालाजार, जो बालू मक्खी परजीवी
से फैलता है और अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है, जिसका लक्षण है तेज बुखार। पायरिया जो है एल्ड अमीबा जिंजिवेलिस परजीवी से फैलता है, जो मसूड़े प्रभावित होते हैं और मसूड़े में से रक्त आता है। जो निद्रा रोग पानी में पानी नी से हो जाएगा, निद्रा रोग यानी कि स्लीपिंग सिकनेस, जो ट्रिपोनोसोमा के कारण होता है और यह मस्तिष्क और लसिका ग्रंथि को प्रभावित करता है। और निद्रा रोग से लक्षण है कि शारीरिक में दर्द होता है, कमजोरी होता है, मानसिक जो है निष्क्रियता हो जाता है। एक होता है पानी में नीचे हो जाएगा फिर से नारू रोग। मलेरिया जो है में से मलेरिया यानी कि यह इसका मलेरिया की परजीवी का नाम है प्लाज्मोडियम। वाहक है मारा एनाफिलीज मच्छर। ये आरबीसी और तिल्ली को प्रभावित करता है मलेरिया, जिसमें लक्षण है ठंड के साथ बुखार। पेचिस जिसे डिसेंट्री बोला जाता है, ये एंड अमीबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजोआ से फैलता है परजीवी से, जो हमारे आंतों को प्रभावित करता है, खून के साथ दस्त होता है। फाइलेरिया जिसे पीला पांव कहते हैं, एबुरा रेटिया ब्रैकेटाई यानी नेमाटोड वर्म से फैलता है, जो पैर व अंडकोश प्रभावित होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बीसीजी का टीका बच्चों को निम्न अवधि में लगाया जाता है। तो दोस्तों जन्म के तुरंत बाद बीसीजी का टीका लगाया जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 से 3 माह, ठीक है, 0 से 3 माह आपका राइट होगा। बीसीजी का टीका जो है वह टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट है एमएसआर का इंजेक्शन निम्न माह में लगाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ एमएसआर का इंजेक्शन जो है 15 माह पर लगाया जाता है। नेक्स्ट है रोगाणु नष्ट करने के लिए निम्न विधि को अपनाया जा सकता है। तो दोस्तों भौतिक विसंक्रामक एंड प्राकृतिक विसंक्रामक एंड रासायनिक विसंक्रामक, इस सभी विधियों को अपनाया जाता है। नेक्स्ट है वायु द्वारा फैलने वाला रोग निम्न है। तो दोस्तों चेचक, तपेदिक यानी टीबी, खसरा, मिजल्स, ये सभी वायु द्वारा फैलने वाले रोग हैं। नेक्स्ट है जल द्वारा फैलने वाले रोग हैं, तो हैजा जो विब्रियो कॉलेरी से फैलता है जीवाणु से, टाइफाइड जो है जिसे टाइफाइड को मियादी बुखार, मोतीझरा, आंत्र ज्वर भी कहते हैं, जो साल्मोनेला टाइफी या एबस थला टाइफी बैक्टीरिया से फैलता है, यह भी वायु द्वारा फैलता है। अतिसार यह भी वायु द्वारा फैलता है, तो उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट है स्वास्थ्य जीवन का वह गुण है जो व्यक्ति को लंबे समय तक जीवन यापन की योग्य बनाता है, यह कथन किसका है दोस्तों? तो गुणवत्तापूर्ण जीवन की बात आए तो जेएफ विलियम्स का नाम ऊपर रहता है, तो जेएफ विलियम्स का यह परिभाषा है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य केवल रोग अथवा दुर्बलता की अनुपस्थिति को नहीं बल्कि संपूर्ण शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक खुशहाली की स्थिति को कहते हैं। तो दोस्तों आपको पता ही है कि केवल रोगों की अनुपस्थिति ही रोग स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से पूर्ण रहना स्वास्थ्य है, यह परिभाषा दिया है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। नेक्स्ट है फुफ्फुसी धमनी यानी कि जो पल्मोनरी धमनी होता है उसमें रक्त होता है दोस्तों, तो धमनियों में रक्त शुद्ध रक्त बहता है, सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। धमनियां शुद्ध रक्त को हृदय के से समस्त शरीर अंगों में पहुंचाता है और सिराएं जो है समस्त शरीर के अंगों से कोशिकाओं से अशुद्ध रक्त को लेकर हृदय के दाएं अलिंद में पहुंचाता है। और अपवाद क्या है कि आपको पता है कि धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है लेकिन पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है, पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है आप, क्योंकि पल्मोनरी धमनी जो है अशुद्ध रक्त को लेकर जाती है फेफड़ों में शुद्ध करने के लिए, उसके बाद पल्मोनरी शिरा जो है शुद्ध रक्त को लेकर के
बाएं अलिंद में आती है, फिर बाएं अलिंद से बाएं निलय में जाता है, बाएं निलय से एरोटिक वाल्व के रास्ते महाधमनी में जाता है, फिर महाधमनी से समस्त शरीर को अंगों को भेज दिया जाता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाता है? दोस्तों विटामिन बी और सी ऐसा है जो गर्म होने पर नष्ट हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट होगा। एंड नेक्स्ट है, मोटापा किसकी अधिकता के कारण होता है? दोस्तों तो शरीर में वसा ऊतक के अधिकता के कारण मोटापा होता है। नेक्स्ट है, विषाणु द्वारा कौन सा रोग फैलता है? विषाणु यानी वायरस द्वारा, तो यहाँ पे दोस्तों कुष्ठ रोग लेप्रोसी यानी कि जो होता है बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है, जो जिसको लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग को हेंसेस डिजीज भी बोला जाता है, जो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री बैक्टीरिया से फैलता है कुष्ठ रोग, जो त्वचा तंत्रिका तंत्र त्वचा म्यूकस मेम्ब्रेन को प्रभावित करता है, इसमें गांठ बन जाता है, हाथ पैर की उंगलियों के ऊतकों को नष्ट हो जाता है, एंड दमा जो होता है वह फंगल डिजीज है दमा। ठीक है, दमा जिसे अस्थमा भी बोला जाता है, जो फंगल यानी कवक रोग है, जो एस्परलीजस फ्यूमिमेटस फंगल से होता है, जो फेफड़ों को प्रभावित करता है, और जो प्लेग होता है दोस्तों यह बैक्टीरिया के द्वारा ही फैलता है। ठीक है, प्लेग जो है, प्लेग जो चूहों को काटने से फैलता है, तो ये पास्चुरेला पेस्टिस बैक्टीरिया से फैलता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा चेचक, चेचक यानी स्मॉल पॉक्स जो है वेरिवेला वायरस से फैलता है, ये वायरस द्वारा फैलने वाला रोग है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आप सबको पता है यकृत यानी कि लीवर है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में वसा किसमें संग्रहित रहता है? तो दोस्तों यह हमारे शरीर की चर्बी में संग्रहित रहता है, इकट्ठा रहता है, एडिपोज टिश्यू में, किसमें? एडिपोज टिश्यू में। नेक्स्ट है, विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? तो दोस्तों विटामिन सी का सबसे ज्यादा पाया जाता है आंवले में, तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा कच्ची फल, कच्ची और ताजे फल में। नेक्स्ट है, हृदय गति अचानक बंद हो जाने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो दोस्तों हृदय गति अचानक बंद हो जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो उसे सबसे पहले कार्डियक मसाज देना चाहिए। क्या देना चाहिए? कार्डियक मसाज। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉक वैक्सीन का प्रयोग किस रोग से बचाव के लिए किया जाता है? तो दोस्तों शॉक वैक्सीन का प्रयोग पोलियो को बचाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, एलिसा नामक परीक्षण किस रोग से निदान के लिए किया जाता है? दोस्तों एलिसा एंड वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, यह दोनों एड्स की रोकथाम के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? दोस्तों तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग यानी गोइटर हो जाता है, जो हमारी जो थायराइड ग्रंथि होती है गले में वो फूल कर मोटा हो जाता है। नेक्स्ट है, पित्त रस का क्या कार्य है? दोस्तों तो आप सबको पता है ये हमारे जो फैट्स होता है वसा को पाचन करने में सहायक होता है, और जो वसा में घुलनशील विटामिन होता है उन सब को डाइजेस्ट करने में, दोस्तों विटामिन का डाइजेस्ट नहीं होता है वो तो मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया को बढ़ाने में मदद करता है, तो यह भोजन को पचाने में मदद करता है, और भी किसमें? फैट को पचाने में, यानी कि पित्त रस जो होता है वह फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल करके शरीर को ऊर्जा देता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, यहाँ 37.0 रहना चाहिए, तो 370 कर दिया है, कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट दोस्तों, कैंसर की रोकथाम करने वाली नई दवा इंटरफेरॉन मनुष्य के किस भाग में बनती है? तो कैंसर की रोकथाम करने वाली इंटरफेरॉन मनुष्य के WBC कोशिकाओं में बनती है। आपको पता है कि WBC कोशिकाएं जो है हमारे शरीर में इम्यूनिटी पावर यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है, जीवाणुओं से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। नेक्स्ट है, सामान्य स्वास्थ्य वाले व्यक्ति को प्रतिदिन कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? दोस्तों तो 3000 कैलोरीज की आवश्यकता होती है सामान्य स्वास्थ्य वाले को। ठीक है, एंड एक एथलीट को
एक कठिन परिश्रम करने वाले को 5,000 से 5,500 कैलोरी की आवश्यकता हो जाती है। नेक्स्ट है ऑफियम किससे प्राप्त होता है। तो दोस्तों डोपिंग वाले वीडियो में मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि जो ऑफियम होता है वह पापी नामक पौधों से निकले हुए ओपियम यानी ऑफियम से तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे आपका पॉपी पौधे यानी कि पोस्ता से आपका राइट होगा, जिससे जो है नार्कोटिक्स एनालाइजर्स नशीली दवाएं बनाई जाती हैं। और सबसे ज़्यादा दर्द निवारक होता है, जिसे कैरियर एडिंग इंजरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें जो खिलाड़ी होता है नार्कोटिक्स को प्रयोग करके जब भारोत्तोलन जैसे कि वेटलिफ्टिंग में उठा रहा है तो उसको पता ही नहीं है कि उस अपने क्षमता से ज़्यादा उठा लेता है, क्योंकि दर्द होता नहीं है नार्कोटिक्स लेने से, जिससे पेशियाँ टूट जाती हैं और इसी को करियर इंजरी के नाम से जाना जाता है। नार्कोटिक्स एनालाइजर के अंतर्गत मॉर्फिन, हेरोइन, पैथिडीन, अल्फा प्रोडाइन, एनिलिडाइन आता है। नेक्स्ट है दिल का दौरा पड़ने पर तत्काल क्या करना चाहिए। दोस्तों दिल का दौरा पड़ने पर, तो दिल हमारे सामने है तो इसमें तत्काल हम क्या करेंगे, पीठ को तो थपथपाएंगे नहीं, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। एडिनिन का टीका नहीं देंगे, मुंह में सांस नहीं फूकेंगे, तत्काल की बात कर रहा है, तुरंत की बात। प्राथमिक उपचार क्या करेंगे, सीनियों को मलना चाहिए, ठीक है, कार्डियक मसाज देना चाहिए। नेक्स्ट है मानव त्वचा का क्या कार्य है। दोस्तों हमारे त्वचा का कार्य है ज्ञान इंद्रियों के रूप में कार्य करता है। कोई भी हमारे त्वचा जो है ठंडा, कोई वस्तु ठंडा है कि गर्म है कि ठोस है कि नरम है, इसका ज्ञान कराता है। एंड शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। ज्ञान इंद्रियों में रोगाणुओं के प्रवेश को रोककर उसकी रक्षा करता है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शरीर का उत्सर्जक अंग है। दोस्तों हमारे शरीर के बेकार पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उत्सर्जन प्रक्रिया कहा जाता है। तो उत्सर्जन अंग है हमारा गुर्दा यानी किडनी, जो हमारे शरीर में यूरिन का निर्माण करता है, और हमारे फेफड़े जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है एंड ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। तो उत्सर्जन का कार्य गुर्दे और फेफड़े यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। और त्वचा भी हमारा उत्सर्जन का काम करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन मदद करता है। तो विटामिन के आपका मदद करता है। नेक्स्ट है शरीर रूपी इंजन में कौन सा अंग पंप की तरह कार्य करता है। आप सबको पता है हमारा हृदय जो है वो पंप की तरह कार्य करता है, जो हमारे समस्त शरीर में शुद्ध रक्त को महाधमनी के द्वारा पहुंचाया जाता है और शिराओं के द्वारा अशुद्ध रक्त को पुनः हृदय के दाएं अलिंद में लाया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जैसा कि आई होप कि आप सभी को सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे एंड ऐसे ही मैं डेली बेसिस पर आप सबको प्रैक्टिस कराती रहूँगी। और आप सभी भी मन लगाकर प्रैक्टिस करते रहिए, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे डाउट उतना ही ज़्यादा क्लियर होंगे। एंड बहुत सारे फिजिकल एजुकेशन के अभी आपके वैकेंसी, जैसे कि यूपी में भी नहीं हुआ है एग्जाम अभी, यूपी एलटी ग्रेड का बहुत 3-4 सालों से नहीं आया है वैकेंसी, वहाँ भी आएगा। एंड एमपी का भी अभी मेन एग्जाम नहीं हुआ है। तो सभी चीज़ों का आपका जो बीपीएससी TRE 3 के बाद 4 आएगा अगस्त में, तो अभी जो आपके सामने चल रहा है उसका मन लगा करके 100% अपना दीजिए, और आगे जो भी होगा वो आपके हाथ में नहीं है, बस अपना कर्म आपका आपके हाथ में है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय।